नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस आज ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो एक मोटोमैक्स का इंस्टा शाइन जो एक पॉलिश है, यानी इसके अंदर स्पॉन्ज है और उसमें ही लिक्विड, इसके अंदर ही बिल्कुल बराबर है। एक तो हमने खोल के आपको दिखाने के लिए रेडी भी किया हुआ, वो ये कुछ दिखने में ऐसा लगता है और इसके अंदर ही ये जो लिक्विड है इसके अंदर ही रहता है। और इसका दाम ज़्यादा नहीं, बस 20 रुपया है इसका दाम। तो ये जो बाइक देख सकते हो, इस बाइक पे अभी भी पॉलिश नहीं किया हुआ है और इसमें बहुत सारा कचरा भी है। तो इसका जो रूल्स है वो है, पहले गाड़ी को वॉश कर लेना और वॉश करने के बाद एक सॉफ्ट जो कपड़ा है उससे इसको पूछ लेना है और उसके बाद ही ये जो इतना गंदगी है ये सब के बाद। और ये इसका सही इस्तेमाल होता है, ये जो फाइबर है गाड़ी में जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलर है उसके ही ऊपर इसको देना होता है। जैसे इधर दिया हुआ है, ये अच्छे से पॉलिश नहीं हुआ है तो ये देखने में बहुत सारा ग्लॉसी लग रहा है और इधर अभी भी पॉलिश नहीं किया हुआ है। तो इसको पॉलिश करने के बाद, पहले पॉलिश करने से पहले क्या होता है गाड़ी के वो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद देखना जब पॉलिश होने के बाद कैसा लगता है। ये जो देख सकते हो, ये पॉलिश होने से पहले है, ऐसा दिखाई दे रहा है पूरा जो गाड़ी है। और रोकी ब्रो इसको आप शाइन कर रहा है, ये देख रहे हो। और इससे कलर बिल्कुल भी जो खराब है वो खराब नहीं होता है इससे कलर, और कलर बहुत अच्छा रहता है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट भी नहीं रहता है और ज़्यादा स्क्रैच भी इसके ऊपर नहीं आता है अगर ये पॉलिश से पॉलिश किया होता है तो। और गाइस इधर है मेरा बाइक R15M, तो इसमें भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें गंदगी है। इसको सुबह मैंने पानी से नहाया था यानी साफ किया था और फिर भी इतना सारा इसमें गंदगी है, कचरा हुआ है इसमें। तो इसको भी साफ करके वही पॉलिश है इंस्टा शाइन जो मोटोमैक्स का है उससे पॉलिश करके आपको दिखाऊंगा कि पॉलिश करने के बाद ये कैसा लगता है। अभी देखो इसमें कैसा लग रहा है, देखने के लिए कैसा लग रहा है देखो ज़रा। ये देखो कितना सारा इधर जो है वो है। और अब इसको भी थोड़ा क्लीन करूँगा और उसके बाद देखना कैसा लगता है। ये जो पीछे है, ये पीछे भी देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें कलर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नया बाइक है, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक पुराना बाइक है, तो बहुत दिन हो गया है। और इधर ये जो मोटोमैक्स का जो इंस्टा शाइन है, तो इससे साफ करने के बाद, इससे पॉलिश करने के बाद आपको दिखाऊंगा कैसा चमकता है बाइक, बिल्कुल एक नंबर जैसा चमकेगा ये बाइक। और गाइस ये देखो, ये जो MT था रोकी भाई ने इसको साफ कर रहा था, तो पॉलिश कर रहा था, तो कितना बेहतर लग रहा है अब ये चमक रहा है ये देखो। और ये तो नेकेड बाइक है तो इसलिए इस पर ज़्यादा जो पॉलिश है उसकी ज़रूरत है ज़्यादा, और ये बाइक पे तो ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब वाइजर ही है तो इसलिए सब फाइबर है इसमें, तो इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये सब जो पार्ट्स है ये सब दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसके अंदर तो हाथ नहीं जाएगा, उंगली नहीं जाएगा, तो इसलिए कुछ कुछ बाकी रह गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर से हो पाता हाथ से वो सब क्लीन कर दिया, तो अब ये बहुत ही चमक रहा है, शाइनी भी ग्लॉसी भी दे रहा है, बहुत ही अच्छा। और अब बड़ी है इस बाइक का, और इसका जो सफाई है वो मैं खुद करूँगा। तो चलो पहले इसको दिखाता हूँ इसमें कितना लिक्विड रहता है वो आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखो इसमें इससे कितना लिक्विड निकलता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है इसके अंदर ही रहता है, बस इतना सही लिक्विड इससे निकला है।
मतलब इसमें ज़्यादा लिक्विड नहीं रहता है, तो इसमें जितना ही है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो पहले जो जगह साफ करना होता है वो है ये जो फाइबर है, वो सब फाइबर पहले साफ करना होता है, उसके बाद कोई अलग जगह पर साफ करना होता है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. और गाइस इससे करते करते कुछ ऐसा हो गया है, इसका हालत देखो। गाड़ी में बहुत ज़्यादा डस्ट था तो इसलिए इतना इसका हालत ऐसे हो गया है। तो और अगर गाड़ी क्लीन रहेगा तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये देखो कितना ज़्यादा ये चमक रहा है। तो गाइस ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बस 20 रुपये में गाड़ी अगर आप वाटर से क्लीन करोगे तो उसके बाद 20 रुपये से ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा ऐसे। तो मेरे ख्याल से मैं तो इससे ही क्लीन करता हूँ, ये गाड़ी नए परचेस करने के बाद से इससे ही काम चला रहा हो, तो बहुत अच्छा मुझे ये फीलिंग्स दे रहा है क्योंकि ये कंडीशन भी बहुत ही अच्छा है। तो गाइस चलो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पर।